नमस्कार, मेरा नाम जयेश कुमार शर्मा है और मैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की चर्चा का विषय है HTML फॉर्म टैग, जिसमें आप सीखेंगे कि HTML फॉर्म टैग क्या होता है, HTML फॉर्म टैग को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा अगर हम HTML में कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। इससे पहले वाली चर्चा में आपने HTML की मदद से वेब पेज कैसे बनाते हैं ये देखा था, जिसमें कुछ बेसिक HTML टैग्स की बात की गई थी, जैसे कि ब्रेक, बोल्ड, फॉन्ट। इन HTML टैग्स की मदद से आप एक अच्छा वेब पेज बना सकते हैं, लेकिन एक इफेक्टिव वेब पेज बनाने के लिए, पूरी वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ ये टैग्स काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमें फॉर्म टैग की ज़रूरत पड़ती है, और फॉर्म टैग के साथ हमें एडिशनल कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो आज की चर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं HTML फॉर्म्स के ऊपर। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम लोग कोई वेबसाइट विजिट करते हैं या वेबसाइट को देखते हैं, तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का या लॉगिन का ऑप्शन होता है। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन में जब हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर एक स्क्रीन हमारे सामने खुल के आता है, जिसमें हमें अपनी डिटेल डालनी होती हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। तो ये सारी डिटेल्स हम जिस पेज के अंदर डालते हैं या जिस सेक्शन के अंदर हम डालते हैं, उस सेक्शन को हम लोग कहते हैं फॉर्म। किसी भी वेबसाइट में अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन देना है, या लॉगिन के लिए अगर आपको ऑप्शन देना है, या अगर आपको यूज़र से कोई डेटा मांगना है, तो उस डेटा को मांगने के लिए आपको फॉर्म एक बनाना ही पड़ेगा। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे HTML फॉर्म टैग। वेब पेज के अंदर फॉर्म को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इस वेब चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। फॉर्म एलिमेंट हमारे पास HTML में होता है, जिसकी मदद से हम एक फॉर्म वेब पेज के अंदर डाल सकते हैं। फॉर्म टैग को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है मेथड, और दूसरा एट्रीब्यूट होता है एक्शन। अब ये दोनों, मेथड और एक्शन, क्या काम करते हैं? मेथड एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि जो डेटा हमने यूजर से लिया है, उसको हमें किस तरह से भेजना है। तो मेथड में हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है गेट, और दूसरा ऑप्शन होता है पोस्ट। तो गेट और पोस्ट के अंदर अंतर क्या है, और हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए जब हम लोग अपना वेब पेज बना रहे हैं? तो गेट का मतलब होता है कि जो भी डेटा आपने यूजर से लिया है, जब आप उसको सर्वर पर पोस्ट करेंगे, तो वो सारा डेटा आपके URL के साथ एम्बेड होके आगे जाएगा। यानी कि जैसे ही आप सबमिट करेंगे अपने डेटा को, वो सारा डेटा आपको अपने URL के साथ दिखाई देगा कि वो डेटा क्या है। लेकिन जब हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो पोस्ट मेथड के अंदर वो डेटा हमें URL के साथ नहीं दिखाई देता। तो हम वेब पेज में किस तरह का मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का वेबसाइट है। अगर हम एक सिक्योर वेबसाइट चाहते हैं, जहां हम नहीं चाहते कि हमारा यूजर से लिया हुआ डेटा किसी को दिखाई दे, तो हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम गेट मेथड से भी काम चला सकते हैं। तो फॉर्म टैग के अंदर पहला एट्रीब्यूट हुआ मेथड, जिसमें हमने देखा कि गेट और पोस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो एट्रीब्यूट है, वो है एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि जो डेटा हमने लिया है और जो डेटा हमने भेजा है, ये हमें कहाँ भेजना है। मान लीजिए कि मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मैं यूजर से उसका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल मांग रहा हूँ, और जब मैं सबमिट बटन को क्लिक करता हूँ, तो पोस्ट मेथड की मदद से मैं उस डेटा को सर्वर पर भेज रहा हूँ। लेकिन वो डेटा सर्वर पर कहाँ जाएगा, तो ये मुझे बताना पड़ेगा एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर, कि ये किस पेज पर जाएगा, या इस इंफॉर्मेशन को मुझे ईमेल करना है। तो ये जानकारी हम लोग एक्शन एट्रीब्यूट के माध्यम से देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी शुरुआत में, कि फॉर्म टैग के साथ हमारे पास कई कंट्रोल्स होते हैं। अब ये कंट्रोल्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मैं तीन जानकारी यूजर से ले रहा हूँ। पहली जानकारी है उसका नाम, दूसरी जानकारी है मोबाइल नंबर, और तीसरी जानकारी है उसका ईमेल। तो अब ये जानकारी यूजर कहाँ एंटर करेगा, कहाँ डालेगा इस जानकारी को वेब पेज के अंदर? तो सिर्फ फॉर्म टैग ही पूरा फॉर्म नहीं बनाएगा, उसके साथ हमें कुछ कंट्रोल्स की जरूरत पड़ती है, जो यूजर को हेल्प करते हैं जानकारी डालने के लिए। तो हमारे पास जो कंट्रोल्स होते हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स हैं? पहला कंट्रोल है टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद आता है चेक बॉक्सेस, उसके बाद है रेडियो बटन्स, फिर आता है सेलेक्ट, उसके बाद आता है फाइल सेलेक्ट बॉक्सेस, हिडन फील्ड्स और बटन्स। इन सारे कंट्रोल्स की मदद से हम लोग एक इफेक्टिव फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं किसी भी वेब पेज के लिए। यानी कि अगर हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के साथ हमें चाहिए जो जरूरी कंट्रोल्स हमें जानकारी के हिसाब से चाहिए होंगे, वो सारे कंट्रोल्स हमें फॉर्म टैग के साथ चाहिए।
एक एक करके इन सारे कंट्रोल्स को हम डिस्कस करते हैं कि ये कंट्रोल क्या करते हैं और किस तरह से इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहला कंट्रोल है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जिसको हम लोगों ने कहा था टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर, जैसा कि आप इस स्लाइड में देखेंगे, इसको सेक्शन मैंने हाईलाइट किया हुआ है, HTML के साथ हमने सबसे पहले लिखा फॉर्म टैग, क्योंकि मैंने आपको बताया कंट्रोल, जब भी कोई HTML कंट्रोल आप लिखेंगे तो वो हमेशा फॉर्म टैग के अंदर लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए कि फॉर्म टैग के अंदर ही सारे कंट्रोल्स लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फॉर्म टैग लिखना है। तो इस चित्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है फॉर्म एक्शन इक्वल टू स्लैश एक्शन पेज डॉट पीएचपी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं वेब पेज को बता रहा हूं कि मैं एक फॉर्म डिजाइन करना चाहता हूं, ये वेब जो जानकारी आएगी वो जानकारी कहां पर जाएगी, एक्शन पेज डॉट पीएचपी पर जाएगी, जो मैं एक्शन के माध्यम से बता रहा हूं। यहां पर मैंने मेथड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, अगर आप मेथड को नहीं लिखेंगे तो जो डिफॉल्ट मेथड एचटीएमएल लेता है वो गेट मेथड है, यानी कि आपकी सारी जानकारी यूआरएल के साथ एम्बेड होके जाएगी। तो अगर इस फॉर्म टैग को हम लोग पूरा देखेंगे तो फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन पेज, जहां मेरा डेटा जाएगा, और मेथड यहां पर होगा गेट। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, वैल्यू इक्वल टू दर्पण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं एक टेक्स्ट बॉक्स चाहता हूं जहां पर यूजर अपना नाम या अपना फर्स्ट नाम एंटर कर सकता है। अगर मैं किसी से उसका नाम एंटर कराना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए एक स्पेस देना पड़ेगा, वो स्पेस इस कंट्रोल के माध्यम से प्रोवाइड होता है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इनपुट, इनपुट मीन्स हम एक इनपुट लेने के लिए एक बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट मीन्स कि जो यूजर टाइप करेगा वो उसको वहां दिखाई देगा। तो अगर मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूं तो वो नाम आपको टाइपिंग के बाद वहां पे एज इट इज दिखाई देगा। इसके बाद एक एट्रीब्यूट आता है नेम, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। जब इस जानकारी को हम सर्वर पर भेजेंगे तो इस जानकारी को भेजने के लिए मुझे इस डेटा को रिट्रीव भी करना पड़ेगा। तो रिट्रीव कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए, एक नाम चाहिए। तो वो नाम मैंने यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट नेम, यानी जो भी वैल्यू इसके अंदर यूजर टाइप करेगा वो वैल्यू को मैं फर्स्ट नेम से जानता हूं। तो फर्स्ट नेम के माध्यम से वो सारी जानकारी मैं उठाऊंगा और उसके बाद ही उसको आगे भेजूंगा। और यहां पर मैंने वैल्यू दी हुई है दर्पण, यानी कि ये वैल्यू यूजर को वहां पर दिखाई देगी, स्क्रीन पर दिखाई देगी वेब पेज के अंदर। तो जैसा कि आप यह देख सकते हैं, मैंने इस प्रोग्राम के अंदर दो इनपुट लिए हुए हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जिसका नाम दिया है मैंने फर्स्ट नेम और वैल्यू दी है दर्पण। एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया हुआ है जिसका नेम मैंने दिया हुआ है लास्ट नेम, वैल्यू दी हुई है आनंद। तो इस स्नैपशॉट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा दो टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं, पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मैंने वैल्यू दी थी दर्पण वो आ रही है, और जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने वैल्यू दी थी आनंद वो मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम अगले कंट्रोल पर आते हैं जिसको हम कहते हैं पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। पासवर्ड इनपुट कंट्रोल मीन्स, इसका मतलब है कि ये भी एक टेक्स्ट फील्ड टाइप का ही कंट्रोल है, लेकिन इसका टाइप थोड़ा सा अलग है। पहले कंट्रोल के अंदर हम लोगों ने देखा था टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जिसमें टाइप दिया था टेक्स्ट, यानी कि यूजर जो भी टाइप कर रहा है वो टाइप किया हुआ मैटर हम लोगों को सामने दिखाई देगा जो उसने लिखा है। लेकिन जब हम पासवर्ड इनपुट कंट्रोल की बात करते हैं तो जो यूजर टाइप कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लॉगिन स्क्रीन के अंदर जब हम लॉगिन नेम अपना एंटर करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है हमारा लॉगिन नेम क्या है, लेकिन जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो पासवर्ड की जगह स्टार लिखा हुआ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पासवर्ड कोई और देख सके। तो इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जब हम लोग एंटर करते हैं तो टेक्स्ट इनपुट की जगह हम लोग पासवर्ड इनपुट को यूज करते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इस चित्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर लिखा है इनपुट, यानी कि मैं यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहता हूं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं, उस इंफॉर्मेशन का टाइप है पासवर्ड। उसके लिए नेम क्या होगा, जिसकी मदद से मैं इस डेटा को रिट्रीव करूंगा, उसका नाम भी मैंने दिया हुआ है पासवर्ड। तो ये आउटपुट स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई देगा, यहां पर दो फील्ड्स मैंने लिए हैं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी के लिए जो इनपुट लिया हुआ है वो है टेक्स्ट, और पासवर्ड के लिए जो लिया हुआ है वो है टाइप पासवर्ड। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे इनपुट कंट्रोल पर जिसको हम कहते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जहां आप अपना ईमेल एंटर करते हैं, यानी कि सिंगल लाइन में आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे आपका एड्रेस पूछा गया है, रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा गया है, तो रेजिडेंशियल एड्रेस आप सिंगल लाइन में कैसे लिखेंगे,
रेजिडेंशियल एड्रेस लिखने के लिए आपको मल्टीपल लाइन या कई लाइन का सपोर्ट चाहिए। तो कई लाइन के सपोर्ट के लिए हम लोग इनपुट टाइप चेंज करते हैं और उसको हम कहते हैं मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग की मदद से। तो टेक्स्ट एरिया हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे जब भी हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मल्टीपल लाइन चाहिए जिसमें यूजर अपना एड्रेस या और कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। टेक्स्ट एरिया को हम कहां लिखेंगे, फॉर्म टैग के अंदर लिखेंगे। और इसको कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें बताना होगा यूजर को कि इसके अंदर कितनी रोज है, रोज मींस नंबर ऑफ लाइंस। तो इस चित्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने टेक्स्ट एरिया के अंदर 5 रोज दी हुई हैं। 5 रोज का मतलब है कि यूजर 5 लाइन तक एंटर कर सकता है। नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने दिए हुए हैं 50, यानी कि एक लाइन में कितने करेक्टर वो टाइप कर सकता है, 50 करेक्टर टाइप कर सकता है। इसका नाम दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। यहां जो एक देखने वाली चीज है कि टेक्स्ट एरिया लिखने के बाद मैंने इस टैग को क्लोज भी किया हुआ है। आप सबको जानकारी होगी कि जब भी हम कोई टैग यूज करते हैं हमें हमेशा उस टैग को क्लोज करना होता है। तो टेक्स्ट एरिया जब मैंने यूज किया है तो मैंने इस टेक्स्ट एरिया को क्लोज किया हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने इनपुट टाइप यूज किया था, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो हमने वहां पे अलग से उसको क्लोज नहीं किया था। क्लोज करने के लिए हमने लास्ट में एक स्लैश लगा दिया था जिससे मान लिया जाता है कि ये टैग हमारा क्लोज हो गया है। इसके बाद हम अगले कंट्रोल पर आते हैं जिसको हम कहते हैं चेकबॉक्स कंट्रोल। चेकबॉक्स कंट्रोल को हम कैसे समझ सकते हैं, आप किसी साइट पर गए और साइट में आपसे आपके इंटरेस्ट पूछे जाते हैं या आपकी हॉबीज पूछी जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है, किताब पढ़ना मेरी हॉबी है, मूवी देखना मेरी हॉबी है, यानी एक से ज़्यादा जानकारी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जब भी हमें यूज़र को इस तरह की एक से ज़्यादा जानकारी देनी है तो हम फॉर्म के अंदर चेकबॉक्स कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर इस चित्र के अंदर आप देखेंगे कि यूज़र के पास दो ऑप्शन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसको अपनी चॉइस मार्क करनी है और एक से ज़्यादा चॉइस मार्क करनी है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे चेकबॉक्सेस। चेकबॉक्स को हम किस तरह से लिखते हैं, चेकबॉक्स को लिखने के लिए हमारे पास जो कंट्रोल होता है फिर से वही इनपुट है, उसका टाइप हम बदल देते हैं जिसको हम लिखते हैं चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का मतलब है कि यहाँ पर यूजर चेकबॉक्स की मदद से मल्टीपल ऑप्शंस अपने दे सकता है। हर कंट्रोल को हमें एक नाम देना होता है, तो यहाँ हमने नाम दिया हुआ है और हर चेकबॉक्स के लिए एक यूनिक नेम आपको देना होगा। तो यहाँ पर हमने नाम दिया हुआ है CSE और इसकी वैल्यू दी हमने ऑन या ऑफ, यानी कि आप इसको बता सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये चेकबॉक्स हमारा टिक रहेगा या अनटिक रहेगा। तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज होती हैं, पहली होती है ऑन, दूसरी होती है ऑफ। ऑन का मतलब है कि जब भी यूजर कोई दिखाई देगा तो वो टिक दिखाई देगा। अगर मैंने मोड वैल्यू ऑफ सेलेक्ट कर रखा है तो उस केस में यूजर को अनचेक दिखाई देगा। तो यहाँ पर पहली लाइन के अंदर हम लोगों ने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इक्वल टू CSE, वैल्यू इक्वल टू ऑन, और उसके अंदर मुझे यूजर को क्या चॉइस देनी है। तो चॉइस मुझे देनी थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस मैंने इसके बाद लिख दिया है। और उसके बाद मुझे दूसरा ऑप्शन अपने यूजर को देना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, तो फिर से मुझे एक चेकबॉक्स बनाना होगा, उसका नाम बदलना होगा। तो उसका नाम मैंने दिया हुआ है ECE और उसके बाद जो यूजर को दिखाई देगा वो देगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आप जितने चाहे चेकबॉक्स यहाँ पर दे सकते हैं, हर चेकबॉक्स के लिए आपको एक इनपुट टाइप लिखना पड़ेगा जिसमें आपको टाइप देना होगा चेकबॉक्स, और यूजर एक से ज्यादा चॉइस अपनी दे सकेगा चेकबॉक्स के माध्यम से। इसके बाद हम लोग आते हैं रेडियो बटन कंट्रोल पर। रेडियो बटन कंट्रोल की जरूरत कहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे कई बार आपका जेंडर पूछा जाता है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो वहां पर आप दोनों चॉइस एक साथ नहीं दे सकते, आपको या तो मेल पे टिक करना होगा या फीमेल पे टिक करना होगा। तो जब हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही चॉइस दे पाए, तो वहां पर हम लोग रेडियो बटन कंट्रोल यूज करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि चेकबॉक्स और रेडियो बटन के अंदर फंक्शनलिटी का यही अंतर है। चेकबॉक्स के अंदर जो ऑप्शन हम यूजर को देते हैं उन चॉइस में से यूजर एक से ज्यादा चॉइस सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन जब हम रेडियो बटन यूज करते हैं तो रेडियो बटन के अंदर यूजर उन सारे पॉसिबल चॉइस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। यहां पर हम जो यूजर को चॉइस दे रहे हैं, दो चॉइस दे रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ऑप्शंस वही हैं जो हमने चेकबॉक्स में दिए थे, अंतर कहां पर है, यहां पर यूजर या तो कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चूज कर सकता है, जबकि चेकबॉक्स के अंदर वो दोनों को टिक कर सकता था, लेकिन रेडियो बटन के केस में वो सिर्फ एक ही को सेलेक्ट कर पाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, आपको इनपुट कंट्रोल यूज करना है क्योंकि जब भी आप फॉर्म के साथ कोई कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो वो इनपुट के थ्रू ही होगा। टाइप बदल जाएगा,
टाइप हो जाएगा रेडियो। रेडियो इंडिकेट करेगा कि हम लोग रेडियो बटन कंट्रोल को यूज कर रहे हैं। कंट्रोल को आपको नाम भी देना है, तो नाम मैंने यहां पर दिया हुआ है सीएससी और वैल्यू दी हुई है ऑन। ऑन और ऑफ आप दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यूजर को चॉइस में क्या दिखाई देना चाहिए वो उसके बाद हमने लिखा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसी तरह से हमने दूसरा रेडियो बटन बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नाम दिया ईसीई और उसकी वैल्यू हमने असाइन की, और यूजर को चॉइस देने के लिए हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जब एक सोर्स कोड एग्जीक्यूट होगा तो यूजर को दोनों चॉइस दिखाई देंगी, लेकिन यूजर सिर्फ एक ही चॉइस को सेलेक्ट कर पाएगा। जैसे ही वो दूसरी चॉइस को सेलेक्ट करेगा पहली चॉइस अपने आप हट जाएगी और दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक अंतर है चेकबॉक्स और रेडियो बटन के अंदर, कि रेडियो बटन में हम सिर्फ एक चॉइस ही प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल ऑप्शंस में से, और चेकबॉक्स के अंदर यूजर मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकता है। अगला कंट्रोल है सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। आप लोगों ने अक्सर वेब पेजेस के अंदर देखा होगा कि जब आप अपना एड्रेस वहां पर डालते हैं तो एड्रेस के नीचे एक फील्ड आती है सिटी या स्टेट। तो स्टेट आपको कभी भी टाइप नहीं करना होता, जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसका नाम आपको टाइप नहीं करना होता, बल्कि आपके पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में सारे स्टेट के नाम होते हैं और आपको सेलेक्ट करना होता है। जब भी इस तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है जहां यूजर को आप बाउंड करते हैं कि वो एक सेलेक्टेड लिस्ट में से ही कोई चॉइस दे, तो हम लोग सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल आप कई जगह देख सकते हैं। आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, उस कोर्स में अगर यूनिवर्सिटी के अंदर चार कोर्सेज हैं तो आपको उन चार कोर्स में से ही कोई कोर्स सेलेक्ट करना होगा, तो उस केस में वो लोग सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो कंट्री नेम में आपको सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल करना होगा। आपको स्टेट नेम सेलेक्ट करना है तो आपको सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल करना होगा। अब सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल को हम लोग HTML में लिखते कैसे हैं, उसको लिखने के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं सेलेक्ट टैग, और सेलेक्ट टैग का क्लोजिंग टैग भी आपको अलग से लगाना होगा। इसको आपको नाम देना है। तो इस चित्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर यूजर को दो चॉइस दे रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लेकिन वो एक सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल के माध्यम से यूजर को दिखाई देंगी और यूजर इन दोनों में से कोई एक चॉइस को सेलेक्ट करेगा। तो इसके लिखने के लिए मैंने सेलेक्ट कंट्रोल को नाम दिया ड्रॉप डाउन, और उसके अंदर मैं क्योंकि दो ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे एक और टैग यूज करना पड़ेगा ऑप्शंस। तो टैग का नाम हुआ ऑप्शन, उसकी वैल्यू हुई सीएसई, और उसके बाद मैंने लिखा सेलेक्टेड। सेलेक्टेड का मतलब यह है कि जितनी भी चॉइस मैं यूजर को दूंगा उसमें एक चॉइस कम से कम सेलेक्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहली चॉइस मैंने सेलेक्टेड लिखा है, इसका मतलब कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट होकर आएगा। इसी तरह से मैंने यूजर को दूसरा चॉइस दिया, दूसरा ऑप्शन दिया ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू ECE, यानी कि जब यूजर इसको सेलेक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू ECE सोर्स कोड में जाएगी। उसका जो मैंने ऑप्शन यूजर को दिखाया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसके बाद ऑप्शन टैग को भी मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सेलेक्ट टैग को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेलेक्ट टैग को हमें क्लोज भी करना होगा। सेलेक्ट टैग के साथ हम ऑप्शन यूज करेंगे, ऑप्शन में हम ये बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और हमें यह भी बताना होगा कि कौन सा एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आएगा। इसके अलावा ऑप्शन टैग को भी आपको अलग से क्लोज करना होगा। कई बार सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल को हम लोग ड्रॉप डाउन कंट्रोल भी कहते हैं। अगर आप इसको कहीं और देखेंगे तो कई बार आपको नाम मिलेगा ड्रॉप डाउन कंट्रोल। तो ड्रॉप डाउन कंट्रोल और सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल दोनों की फंक्शनैलिटी एक ही है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में आपसे आपका फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए मांगा जाता है। कई बार जब आप किसी कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपसे आपकी मार्कशीट्स की सॉफ्ट कॉपी मांगी जाती है, यानी कि PDF या इमेज फाइल आपकी मार्कशीट की आपको अपलोड करनी होती है। तो अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इस तरह के अपलोड की कोई फैसिलिटी देनी है तो इस काम को हम लोग करते हैं फाइल अपलोड बॉक्स की मदद से। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, आपको यह कंट्रोल दिखाई दे रहा है और कंट्रोल के साथ लिखा हुआ है ब्राउज। तो ब्राउज का मतलब है कि कौन सी फाइल मुझे अपलोड करनी है। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर मुझसे मेरा फोटोग्राफ मांगा गया है तो मुझे एक इमेज फाइल अपलोड करनी है जो मेरा फोटोग्राफ होगा। वो मेरे सिस्टम में किसी फोल्डर के अंदर, किसी डायरेक्टरी के अंदर होगी फाइल, तो मुझे उसको ब्राउज करना है और उस फोल्डर से सेलेक्ट करके वेब पेज को बताना है कि कौन सी फाइल मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो ये तो आपको आउटपुट में दिखाई देगा, ये ब्राउज और जो इनपुट कंट्रोल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको HTML में लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे इनपुट कंट्रोल। उसका टाइप बदल देंगे, टाइप होगा फाइल, उसको हमें एक नाम भी देना है, तो नाम हमने दिया फाइल अपलोड, और उसके बाद हमने लिखा एक्सेप्ट इक्वल टू इमेज स्लैश स्टार।
तो सारे एट्रीब्यूट कॉमन है, टाइप हम लोग पहले देख चुके हैं, नेम हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कि मैं अपने वेब पेज को बता रहा हूँ कि जब मैं फाइल ब्राउज करूंगा तो किस टाइप की फाइल में अपलोड करना चाहता हूँ। अगर मैं फोटोग्राफ अपलोड करना चाहता हूँ तो जेपीजी या पीएनजी टाइप के ही फाइल को मैं अपलोड करूंगा। अगर मैं किसी की मार्कशीट अपलोड करना चाहता हूँ तो उसके लिए टाइप मेरा जेपीजी या पीडीएफ भी हो सकता है। तो मुझे यूजर को बताना होगा कि किस टाइप की फाइल हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक्सेप्ट इक्वल टू इमेज पब्लिक स्टार, इसका मतलब इमेज फाइल को हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं इस ब्राउज बटन के माध्यम से। इसके बाद हम लोग चलते हैं बटन कंट्रोल की तरफ। बटन कंट्रोल सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंट्रोल है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भर देंगे और आपके पास उसको सबमिट करने के लिए कोई माध्यम नहीं होगा तो वो डेटा आपका कभी भी सर्वर तक नहीं पहुंचेगा। तो हर जगह आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद आपके पास नीचे एक बटन होता है जिसको हम क्लिक करते हैं, और उस क्लिक करने के बाद ही आपका डेटा सर्वर तक पहुंचता है या सर्वर से उठ के आता है। उस कंट्रोल को हम कहते हैं बटन। तो बटन को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जो तरीका है, इनपुट टैग हमें यूज करना है, उसका टाइप हमें बदलना है। उसका टाइप हो जाएगा सबमिट, रिसेट या बटन, और इसके अलावा चौथा एक ऑप्शन हमारे पास होता है इमेज, यानी कि चार टाइप के बटन हम लोग HTML के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चारों टाइप के बटन्स को हम एक एक करके देखते हैं। पहला टाइप है सबमिट बटन। सबमिट बटन का मतलब है कि जब यूजर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेटा एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद उसको सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग अपना डेटा एंटर करते हैं और फीड करने के बाद हम एंटर बटन को प्रेस कर देते हैं। तो सबमिट बटन का मतलब है कि जैसे ही एंटर बटन पे वो प्रेस होगा वो डेटा ऑटोमेटिकली सर्वर पर भेज देगा। सबमिट बटन के माध्यम से हम ये बताएंगे कि डेटा हमारा कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा टाइप का जो बटन है वो है रिसेट बटन। रिसेट बटन अक्सर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में देखा होगा, सबमिट के पास रिसेट बटन हमारे पास एक होता है। उसका मतलब यह है कि जैसे ही मैं रिसेट बटन पर क्लिक करूंगा जो भी जानकारी मैंने अपने वेब पेज में फॉर्म में दी हुई है वो सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी, हट जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई बड़ा फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि यूज़र अपने जानकारी को मॉडिफाई कर पाए या बदल पाए तो वहाँ पर हम रिसेट का बटन देते हैं। तीसरा है सिर्फ बटन। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि जब हमारे पास बटन है और सबमिट बटन है तो दोनों में अंतर क्या है। सबमिट बटन के अंदर आपको बटन को क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, एंटर कमांड के माध्यम से वो अपने आप क्लिक हो जाता है। लेकिन जब हम बटन को इस्तेमाल करते हैं तो बटन में हमें एक्सप्लिसिटली बटन को क्लिक करना होता है, तभी हमारी फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के अंदर या स्क्रीन के अंदर 3 से 4 बटन होते हैं। तो जब आपको मल्टीपल बटन्स देने हैं तो मल्टीपल बटन के केस में हम तीसरे टाइप का बटन यूज करते हैं, यानी कि सिर्फ बटन टाइप को यूज करते हैं। अगर आपके पास फॉर्म में सिर्फ एक बटन आपको देना है तो आप सबमिट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं रिसेट बटन के साथ। अब हम लोग आते हैं चौथे बटन की तरफ। चौथा बटन है इमेज टाइप का बटन, यानी कि किसी इमेज को हम लोग बटन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां पर हमें जो एट्रीब्यूट देने होंगे, टाइप हमारा हो जाएगा इमेज, नाम हो जाएगा यानी कि नेम, वो हो जाएगा इमेज बटन, और इसके साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा कि किस इमेज को हम बटन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एक इमेज का नाम हमें चाहिए होगा, वो हम प्रोवाइड करेंगे एक एट्रीब्यूट के अंदर जिसका नाम है SRC। SRC मीन्स सोर्स। किस इमेज को हम बटन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन हमें SRC के अंदर देनी होगी। तो जब हम बटन की बात करते हैं तो चार टाइप के बटन हमारे पास हैं। पहला हुआ सबमिट बटन, दूसरा हुआ रिसेट बटन, तीसरा हुआ सिर्फ बटन। जहां हमें मल्टीपल बटन्स की जरूरत है फॉर्म के अंदर तो वहां पर हम सिर्फ बटन को इस्तेमाल करेंगे। और चौथा हुआ इमेज बटन, यानी कि जब किसी इमेज को हम बटन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम लोग इमेज बटन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं हिडन फॉर्म्स कंट्रोल की तरफ। ये वो कंट्रोल्स होते हैं जो यूजर को दिखाई नहीं देते, लेकिन वेब पेज के अंदर ये होते हैं और इंफॉर्मेशन इनके अंदर हम लोग स्टोर रखते हैं। कई बार होता है कि जब हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जानकारी सर्वर पर भेज रहे हैं तो जानकारी भेजने के लिए कुछ ऐसी जानकारी जो हम यूजर को नहीं दिखाना चाहते वो भी हम वेब पेज पर रखना चाहते हैं। तो इस तरह की जानकारी को रखने के लिए हम लोग हिडन फॉर्म कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हैं। हिडन फॉर्म्स कंट्रोल को लिखने के लिए हमारे पास टाइप है हिडन, यानी कि इनपुट कंट्रोल के साथ मुझे हिडन टाइप यूज करना है, उसका नाम देना है और उसको एक वैल्यू देनी है। अब ये जो कंट्रोल है ये यूजर को दिखाई नहीं देगा लेकिन वेब पेज पर होगा, और इसके साथ इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो 10 होगी।
अब इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने तीन इनपुट कंट्रोल्स यूज किए हैं। पहला टाइप है हिडन, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाली है 10, ये यूजर को नहीं दिखाई देगी। दूसरा टाइप है सबमिट, यानी मैं सबमिट बटन यूज कर रहा हूं और उसके अंदर मैंने वैल्यू दी है सबमिट, जो यूजर को दिखाई देगा सबमिट लिखा हुआ। और तीसरे टाइप का जो मैंने कंट्रोल यूज किया है वो है रिसेट, यानी कि एक रिसेट बटन में इस्तेमाल कर रहा हूं और उसके साथ मैंने वैल्यू दी हुई है रिसेट। तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो इस आउटपुट में आपको सिर्फ दो बटन दिखाई दे रहे हैं, सबमिट और रिसेट। हम लोगों को हिडन फील्ड यहां पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिडन फील्ड हमारा है ही नहीं। ये वेब पेज पर होगा लेकिन यूजर को नहीं दिखाई देगा। जब हम इस इंफॉर्मेशन को सर्वर पर सबमिट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन हमारी हिडन फील्ड से उठकर चली जाएगी। आज की चर्चा में हम लोगों ने देखा कि हम लोग HTML फॉर्म को क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। HTML फॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक फॉर्म टैग की जरूरत होती है, तभी हम अपने वेब पेज के अंदर किसी फॉर्म को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फॉर्म टैग से हमारा काम नहीं चलेगा, तो उसके साथ हमें कुछ कंट्रोल्स भी चाहिए। तो हम लोगों ने कंट्रोल देखे, टेक्स्ट कंट्रोल्स देखे, जिसमें हमारे पास टाइप था इनपुट, टेक्स्ट, पासवर्ड। इसके बाद हम लोगों ने कुछ बटन्स देखे, चेकबॉक्सेस देखे, रेडियो बटन्स देखे, सेलेक्ट फील्ड देखे, और उसके साथ हमने देखा टेक्स्ट एरिया के थ्रू हम किस तरह से मल्टीपल लाइन का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कास्केडेड स्टाइल शीट CSS की और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML की, जो आपको ये बताएगा कि वेब पेज को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम इन तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। अगले सत्र में हम लोग बात करेंगे कास्केडेड स्टाइल शीट की, यानी CSS की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेब पेज को CSS की मदद से हम लोग किस तरह से इफेक्टिव बनाते हैं। थैंक यू।